हरिद्वार के रुड़की में स्थित कौर कॉलेज में कुमार विश्वास ने कविताओं से ऐसा समां बांधा कि वहां मौजूद तमाम लोग मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं कुमार विश्वास ने अपनी कविताओं के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों पर भी कई कटाक्ष किए। कौर कॉलेज के संस्थापक J.C. जैन के जन्मदिन और कौर कॉलेज के UETR के पहले वार्षिक उत्सव का इसको बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर देश के मशहूर कवि कुमार विश्वास, पूर्व उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिले के विधायक गण सहित भारी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल हुए। आपको बता दें कि कौर कॉलेज ने UETR के पहले वार्षिक उत्सव को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। कॉलेज में कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, मगर कुमार विश्वास की कविताओं ने कार्यक्रम में समा बांध दिया। कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि कौर कॉलेज के संस्थापक J.C. जैन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। कुमार विश्वास की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही छवि है। कार्यक्रम में उनके देशभक्ति और राम के बारे में अपनी कविताओं के माध्यम से बताने का कार्य किया है कि काफी सराहनीय है, क्योंकि राम को कुछ पार्टियों ने काल्पनिक बताया। वही राजनीतिक और नेताओं पर कविता के माध्यम से कटाक्ष करने की बात पर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कवि सबसे ज्यादा कटाक्ष करता है तो वह राजनीतिक लोगों पर ही करता है, ये उनका अपना विषय है। द्वारिका तक पहुंचे, हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। जैसी जैन साहब को बहुत बधाई दे रहा हूँ और 75वीं वर्षगांठ की निश्चित रूप से एक बहुत कम ऐसे लोगों के जीवन में क्षण आते हैं, तो इस नाते में उनकी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और कुमार विश्वास जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिनकी एक अपनी छवि है और जिस प्रकार से वो अपनी बातों को रखते हैं, स्वाभाविक रूप से आज उन्होंने देशभक्ति के बारे में, देशी चीज के बारे में और राम को जिस प्रकार से लोगों ने एक काल्पनिक विषय के रूप में जो प्रकट किया उस पर जो आक्षेप किया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी UETR का पहला वार्षिक उत्सव था, दिन में हमने उसको बहुत उल्लास के साथ मनाया। कुमार विश्वास जी आज की तारीख में देश विदेश में अपना एक स्थान रखते हैं और काव्य पाठ में और स्पेशली मोटिवेशनल टॉकिंग में उनका अपना एक अपना स्थान है।